हाय व्यूअर्स, मैं अभिषेक उपाध्याय आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट लगातार न्यू हाईज बना रहा है। पिछले कुछ दिनों में जो न्यू एज कंपनी है, यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, वो लगातार स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो रही हैं और अपने IPOs के माध्यम से काफ़ी फंड रेज कर रही हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या ये जो न्यू एज कंपनीज हैं उनमें जिस तरीके की ग्रोथ और जिस तरीके के वैल्यूएशन देखे गए हैं, क्या ये वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में सस्टेन होंगे? क्या जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं और मार्केट में जो नए अभी अभी मार्केट में इंटर हुए इन्वेस्टर्स, क्या उनको इस तरीके की कंपनीज में इतने हाई वैल्यूएशन पे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ये आज क्वेश्चन सभी के दिमाग में बना हुआ है। आइए इस बारे में कुछ आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी जो अभी रिसेंटली अपना IPO लेके आई है। कंपनी का नाम है जोमैटो। जोमैटो एक फूड एग्रीगेटर ऑनलाइन कंपनी है और जिस तरीके का इसका बिजनेस मॉडल है, काफ़ी बिजनेस प्रोस्पेक्टिव इसमें दिख रहे हैं। पर जिस तरीके के वैल्यूएशन पे ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई है, आइए उसकी कुछ चर्चा करते हैं। जोमैटो कंपनी का जो इशू प्राइस है वो 76 रुपीज़ के आसपास इसमें आया था और आज करेंट मार्केट प्राइस जो है जोमैटो का, वो करीब करीब 155-160 के आसपास है। तो हम देखेंगे कि विद इन 3 to 4 months में इस कंपनी ने करीब करीब 100% का रिटर्न दिया हुआ है। दूसरी केमिकल सेक्टर की कंपनी जो कि काफ़ी प्रसिद्ध और रिकॉग्नाइज कंपनी, उसकी बात करते हैं। कंपनी का नाम है तत्व चिंतन। तत्व चिंतन भी करीब करीब अपने इशू प्राइस से 147% के आसपास अपसाइड करंट मार्केट में ट्रेड कर रही है और इसने भी करीब करीब 147% का रिटर्न दिया हुआ है। तीसरी हम कंपनी की बात करेंगे देवयानी इंटरनेशनल। हम सभी ने KFC, पिज़्ज़ा हट और कोस्टा कॉफ़ी के बारे में सुन रखा है। इन कंपनीज का, इन फ्रेंचाइज का सक्सेसफुल संचालन जो है वो देवयानी इंटरनेशनल करती है। इस कंपनी ने भी अपने इशू प्राइस से करीब करीब 80% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। अभी हम सभी ने रिसेंटली दिनों में देखा है कि एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स और फैशन प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी और इसकी ऑनलाइन ई कॉमर्स के माध्यम से सेल करने वाली कंपनी नाइका का IPO आया था। उस IPO को लेकर स्टॉक मार्केट में बड़ी हलचल रही और इस कंपनी ने अपने लिस्टिंग डे में ही अपना जो इशू प्राइस है उससे करीब करीब 100% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि बहुत स्पेक्टेकुलर रिटर्न माना जा सकता है। अब प्रश्न यही आता है कि जिस तरीके के रिटर्न्स जो इन्वेस्टर्स को अभी देखने को मिले हैं पिछले 3 से 4 महीने में, क्या ये दिस काइंड ऑफ रिटर्न वुड बी सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये जानने की बात है। अभी अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि SEBI के चेयरमैन ने भी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अपने कंसर्न जाहिर किए हैं। उन्होंने भी कहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को इस प्रकार के ल्यूक्रेटिव रिटर्न के लिए काफ़ी सोच समझ कर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट चार्टर की भी बात की है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट चार्टर के बारे में जब कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगी तो हम आपसे बात करेंगे। ब्रीफली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर चार्टर होता है उसके अंतर्गत कई तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन का फ्रेमवर्क रहेगा, जिससे कि इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट हैं उनका प्रोटेक्शन हो सकेगा। अब क्वेश्चन यही आता है कि क्या इस तरीके की कंपनी जो कि इस तरीके के रिटर्न जनरेट कर रही है, क्या उससे इन्वेस्टर्स को दूर रहना चाहिए, या इस तरीके की कंपनीज का फर्दर एनालिसिस करके इन्वेस्टर को ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि जिस तरीके की ये ग्रोथ है, जिस तरीके से इन कंपनीज के रिटर्न आ रहे हैं, क्या ये फ्यूचर में भी सस्टेन हो सकते हैं। तो आइए कुछ पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स को जो है IPO के एनालिसिस के बारे में अपनी स्टडी करना चाहिए। सबसे पहले, किसी भी कंपनी का, जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड अपना IPO लेके आ रही है, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या वो प्रोडक्ट बनाती है या कोई सर्विसेज रेंडर्ड करती है, इसकी एक ब्रीफ स्टडी हर इन्वेस्टर को करना चाहिए। सेकेंड नंबर पे हमें ये देखना चाहिए कि ये जो कंपनी लिस्टिंग के लिए आ रही है, इसके प्रमोटर्स कौन है, शेयर होल्डर्स कौन है, किस तरीके से उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, बैकग्राउंड है और किस तरीके का उनके पास में एक्सपीरियंस है। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रहती है वो होते हैं कंपनी के फाइनेंशियल। देखिए, कंपनी के फंडामेंटल्स की स्टडी करना हर इन्वेस्टर के लिए इजी नहीं होता, परंतु कुछ जो बेसिक बातें हैं उसको इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि कंपनी की नेट सेल्स क्या है, कंपनी को किस तरीके के प्रॉफिट्स आ रहे हैं, कंपनी ने डेट कितना ले रखा है, किस तरीके से कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, किस तरीके का प्रोडक्ट और सर्विसेज, किस तरीके के मार्केट में कंपनी का पेनिट्रेशन है। ये एक बेसिक फंडामेंटल स्टडी होती है जो हर इन्वेस्टर को कोशिश करना चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उस तरीके की डिटेल्स कंपनी के बारे में ले सके, ये एक अच्छी बात रहेगी। चौथे नंबर पे, जिस सेगमेंट में कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने को आ रही है, उस सेगमेंट में पहले से कौन सी कंपनीज हैं या उसकी कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं, जिनको टेक्निकल भाषा में हम पीयर कंपेरिजन भी बोलते हैं। तो पीयर कंपैरिजन भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात होती है। तो इन्वेस्टर्स के लिए मेरी सलाह ये रहेगी कि आप कोशिश करें कि जो कंपनीज ऑलरेडी हैं या जो कंपनी इस तरीके के बिजनेस में हैं, जैसे कि अगर हम जोमैटो की बात करें तो जोमैटो के एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे स्विगी है, उबर ईट्स है, फूड पांडा जैसी कंपनी है, किस तरीके से ये कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं और किस तरीके से जोमैटो और इनके मार्केट शेयर और किस तरीके से इनके बीच में आपसी कॉम्पिटिशन है, इसकी अगर आप एक स्टडी करेंगे तो उससे एक आपको बेसिक आइडिया मिलता है। क्योंकि फ्रेंड्स, हर इन्वेस्टर ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी
मार्केट में एक अच्छे रिटर्न को वो प्राप्त कर सके, और जो कंपनीज अच्छे रिटर्न दे रही हैं उसमें कहीं वो इन्वेस्टमेंट करने के अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर जाए। इसलिए ये बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि क्या इस तरीके की कंपनीज से इन्वेस्टर्स को अलग रहना चाहिए या इस तरीके की कंपनीज में इन्वेस्टर को पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि देखिए फ्रेंड्स, जो पैसा आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपका हार्ड अर्न मनी पैसा होता है, इसलिए आपको बहुत प्लानिंग के साथ में सोच समझ के अपने रिस्क एंड रिटर्न एपेटाइट के हिसाब से इन कंपनीज की स्टडी करके 2 से 3 क्वार्टर के एटलीस्ट इनके आप फाइनेंशियल्स देखें, इनकी ग्रोथ देखें किस तरीके से कंपनी ऑपरेट हो रही है, और फिर उसके बाद आपको कोशिश करना चाहिए कि आप इस तरीके की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का अपना निर्णय ले सकें। होप सो कि मैंने आपका जो नॉलेज बेस है आईपीओस के रिगार्डिंग, जो कंपनी जो क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं उसमें मैंने कोशिश की है कि आपके नॉलेज बेस में मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर सकूं। आज के वीडियो को हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। भविष्य में भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस तरीके के जो करेंट टॉपिक्स हैं या जो मार्केट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें से रिलेटेड काफ़ी कुछ मटेरियल हम आपके सामने लेके आएँ, और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकें ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने पैसे के साथ में ले सकें। तो आज के लिए हम इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अलॉट। थैंक यू।